हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। और आज बहुत दिन बाद मैं फिर से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ घर से। इसके पहले मैंने एक जो वीडियो डाला था, इसके पहले जो ओले पड़े थे उसका मैंने वीडियो डाला था, तो वो मतलब थोड़ा बहुत क्लिप शूट किया था। उस दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फाइनली अभी मेरी तबीयत बहुत बेटर है, पहले से बहुत बेटर है। तो काफ़ी दिन बाद मैं फिर से घर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। और मतलब मैं सोच रहा था ना कि कहाँ टूर करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। और ओमिक्रॉन भी बहुत तेज़ बढ़ रहा है, कोरोना भी है, ओमिक्रॉन भी है, कोरोना का ही वेरिएंट है ओमिक्रॉन, तो ये बहुत तेज़ी से अब फैल रहा है। फ़िलहाल मैंने कहीं भी टूर करने का नहीं सोचा है, अगर अगर कोरोना का जो केसेस है कम हुए या फिर लॉकडाउन नहीं लगा तो मैं ज़रूर कहीं ना कहीं टूर करूँगा। लेकिन अभी के लिए मैं कहीं टूर नहीं करने वाला, तो मैंने सोचा आपसे मैं घर से रह के ही व्लॉगिंग करूँगा। और फ़िलहाल मैं हूँ गांव में, देख सकते हैं, और यहाँ कुछ ऐसा नज़ारा है। और ठंड देख सकते हैं, पूरा कोहरा ही कोहरा। और अक्सर मैं अपनी इसी छत से ही व्लॉग शूट करता हूँ। जब भी आपने जो मेरे पहले के वीडियोज़ हैं वो देखेंगे तो अक्सर मैं यहीं से व्लॉगिंग अपना शूट करता हूँ। तो अब मैंने सोचा है कि अब टूर तभी करेंगे, देखेंगे कहीं प्लान बनेगा तो टूर करेंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा है, कोरोना फैल रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। और तब तक घर रह के मैं ब्लॉगिंग करूँगा, और एक डेढ़ महीने में कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, गोरखपुर सिटी वगैरह जाऊँगा तो वहाँ की ब्लॉगिंग ज़रूर करूँगा, और मैं घर से ही ब्लॉगिंग करूँगा आपसे कंटिन्यू। और डेली आ पाएगा नहीं आ पाएगा ये मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ ब्लॉग्स आपको समय पर मिलते रहेंगे ये श्योर। और गाइस, मैं हिच हाइकिंग जो कर रहा था, तो मैं जैसे ही कोरोना थोड़ा कम होगा ना, क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में फिर से कर्फ्यू भी स्टार्ट हो गया है और लॉकडाउन भी लग रहा है कहीं कहीं, तो जैसे ही कोरोना कम होगा मैं फिर से हिच हाइकिंग स्टार्ट करूँगा। और हिच हाइकिंग को लेकर मेरी शैलेस भाई से बात हुई थी। जो लोग नहीं जानते उनका यूट्यूब चैनल है इट्स शैलेस राज, वो मतलब हिच हाइकिंग करके ट्रैवलिंग करते हैं, तो उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने उनको ज्वाइन करने को बोला था, तो उन्होंने बोला कि हाँ ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जो है बाकी उन्होंने इक्विपमेंट बताए कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो जो मेरा कैंपिंग टेंट था उससे और भी अच्छा कैंपिंग टेंट उन्होंने लेने के लिए सजेस्ट किया, क्योंकि जहाँ पर वो गए थे काफ़ी दिन पहले बात हुई थी, आई थिंक 10-15 दिन हो गया, उससे ज़्यादा ही होगा। तो उन्होंने बताया जहाँ पर मतलब शिलोंग गए थे वहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और जिसके वजह से मैंने बताया कि ये चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी, बाकी उन्होंने कहा ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर मैंने सोचा उसका बजट बहुत आ जाता, तो अभी मेरे पास उतना बजट था नहीं, तो इसीलिए शैलेस भाई मैं आ नहीं पाया और फिर आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाया क्योंकि तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी। तो भाई मैं शैलेस भाई से ज़रूर मिलूँगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी ठंड है और ठंड थोड़ा सा डाउन होगा, कोरोना थोड़ा सा डाउन होगा, उसके बाद मैं हिच हाइकिंग स्टार्ट करूँगा। फिर से एक बार शैलेस भाई से पूछूँगा, अगर उन्होंने हाँ बोला उस टाइम तो मैं उनको फिर ज्वाइन कर लूँगा गर्मियों में, मान लीजिए, क्योंकि पता है ठंडी में इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा ले जाने पड़ते हैं, तो गर्मियों में अगर उनसे एक बार और बात करूँगा, अगर हाँ बोलेंगे तो उनको ज्वाइन करूँगा। वैसे यार उनके चैनल को फॉलो करो भाई, बहुत मेहनत करते हैं। फ़िलहाल वो मेघालय में है, जो एशिया का सबसे क्लीनेस्ट रिवर है, अभी कल का वीडियो उस चीज़ का डाला था उन्होंने। तो देखते हैं, कोशिश करेंगे एक दिन शैलेस भाई के साथ ज़रूर ट्रैवल करेंगे। और मतलब यार मुझे पता है हिच हाइकिंग का शौक़ एक एडवेंचरिंग लगता है, मज़ा आता है हिच हाइकिंग करने में। जब मैं हिच हाइकिंग के वीडियोज़ देखता हूँ, मैं लगभग हर एक हिच हाइकर के वीडियो देखता हूँ, जितने भी ट्रैवलर हैं मैं दिन भर वही करता रहता हूँ वीडियो देखता हूँ। तो जितने भी ट्रैवलर हैं हिच हाइकिंग, और बेसिकली जो हिच हाइकिंग करते हैं भाई, एक अलग सा एडवेंचर होता है हिच हाइकिंग। मैंने एक बार ट्राई किया, बहुत मज़ा आया, छोटी सी जर्नी थी मैं कहूँगा, और इंटरनेशनल जर्नी थी, तो भाई छोटी सी जर्नी थी लेकिन मज़े आ गए भाई। तो इसीलिए मैं अब जब भी हिच हाइकिंग स्टार्ट करूँगा ना, तो एक पूरी सीरीज़ बनाऊँगा अच्छे से, और उसके लिए सारी इक्विपमेंट सब कुछ रेडी करके जाऊँगा। क्योंकि जब मैं नेपाल गया था ना हिच हाइकिंग करते हुए, तो वहाँ पे जो है बहुत ठंड थी, और उस ठंड के हिसाब से मैं वो चीज़ें नहीं ले गया था। तो मैं ज़रूर हिच हाइकिंग स्टार्ट करूँगा, और मुझे बेसिकली पर्सनली बहुत मज़ा आता है हिच हाइकिंग करने में। अभी तक जिन्होंने नेपाल का सीरीज़ नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख ले, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल दूँगा। तो फ़िलहाल मैं हूँ गाँव में, और तबीयत ठीक होने के बाद भाई बहुत ही सुकून लग रहा है, अब पहले से बहुत ही बेटर फील कर रहा हूँ। तो गाइस, जब तक मैं घर पे हूँ तब तक घर से ब्लॉगिंग करूँगा, और
उसके बाद अगर मेरा कहीं जाने का प्लान बना तो मैं वहाँ जाके भी व्लॉगिंग करूँगा, और सिटी वगैरह का व्लॉग आपको देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि अब मतलब अब जो टाइम आएगा वो मेरा सिटी में ही बहुत ज़्यादा स्पेंड होने वाला है। तो अब मतलब फिर से पहले की तरह शुरू करेंगे उसके बाद, क्योंकि मतलब धीरे धीरे चैनल को 7-8 महीने हो गए हैं और मैं उतने वीडियोस, मैं खुद जानता हूँ मैं उस तरीके से वीडियोस नहीं डाल पाया, क्योंकि यार पता नहीं क्या हुआ है, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है कुछ ना कुछ ज़रूर होता है मेरी लाइफ में। तो अब मैं ट्राई करूँगा कि मतलब वीडियोज़ डालता रहूँ, डेली डालता रहूँ, और आप सभी का सपोर्ट पिछले वीडियो में बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा लगा। अगर मेरे वीडियोस को ना सिर्फ 10 लोग देखते हैं ना तो भी मुझे बहुत बेटर फील होता है भाई, बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कम से कम 10 जेन्युइन लोग देखते हैं। फिलहाल मुझे मेरे वीडियोस पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, देख के खुशी हुई कि मैं वीडियोस भले ही लेट अपलोड करूँ, मैं वीडियोस भले ही लेट डालूँ, लेकिन आप लोग ज़रूर उसको देखते हो, व्यूज़ आते हैं। और यार चैनल को सब्सक्राइब किया करो, बहुत ही जल्दी मैं 500 सब्सक्राइब टच कर जाऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और शेयर करोगे तो बहुत लोगों के पास जाएगा, और जल्दी से जल्दी 1K भी टच कर जाऊंगा मैं। आपको यही जानकारी देनी थी इस वीडियो में कि अब मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि जब भी तबीयत ठीक हो गई है तो अब मैं आराम से व्लॉगिंग करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं आप सभी को दिल से थैंक यू, और पिछले वीडियो में भी बहुत सारा आपने प्यार दिया, और भाई एक वीडियो तो 6K हो जाएगा, हमको लगता है आज ही हो जाएगा 6K व्यूज, तो उसके लिए भी दिल से थैंक यू। तो आई होप ये कोविड जो अभी चल रहा है वो बहुत जल्दी ही सही हो जाए, फिर से यहाँ पहले की तरफ सबकी लाइफ हो जाए, और भाई मैं बहुत ही जल्दी ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी ट्रैवल ब्लॉग स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे खुद पर्सनली ना ट्रैवल ब्लॉगिंग में बहुत मज़ा आता है, तो मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग ही करना चाहता हूँ। तो आई होप कि ये जल्दी से कोविड सही हो, उसके बाद मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा। तो फ़िलहाल चलिए चलते हैं, मिलेंगे आपसे ब्लॉगिंग के साथ।